गांव के बच्चों का शहर जाकर पढ़ाई करना तो सामान्य बात है, मगर शहर के बच्चों का गांव में आकर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करना एक असंभव सी बात है। मगर ये असंभव कारनामा ताबर बाहरा मिडिल स्कूल में संभव हुआ है, जहां हर समस्या और शिक्षकों के प्रयास के आगे बौनी साबित हुई। यहाँ 79 बच्चों में से कैशोडार गांव के 20 बच्चे ऐसे हैं जो पहले गरियाबंद जिला मुख्यालय में पढ़ाई करते थे, लेकिन आपको बता दें कि ताबर बाहरा स्कूल की पढ़ाई देखकर ये जिला मुख्यालय की बजाय 4 किलोमीटर जंगल का रास्ता तय करके यहाँ पढ़ने आते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य कहते हैं कि कहीं चयन होने की बात हो या फिर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पाने की, यहाँ के बच्चों ने हर जगह अपना परचम लहराया। स्कूल में कार्यरत सभी शिक्षक छुट्टी के बाद बच्चों के घर पहुंचकर प्रतिदिन उनकी पढ़ाई की मॉनिटरिंग करते हैं और पालक भी उनका भरपूर सहयोग करते हैं। इससे प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय चुना गया है और शिक्षक दिवस पर शाला के प्रधान पाठक हैं उनको राज्यपाल के हाथों पुरस्कृत भी किया गया। जो वातावरण है, पर्यावरण है, स्वच्छता है और जो पढ़ने का जो अधिगम सहायक सामग्री होती है उससे बच्चों को काफी हद तक सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जितना सरल तरीका से हो सके हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग बच्चों को तौल के देखते हैं सर कि उनकी मानसिकता क्या है और साथ में ये देखते हैं कि बच्चे किस तरफ अपने आप को रुचि में ढालते हैं। बहुत सारे हम लोग टूल्स के हिसाब से उनको देते हैं। कैसे होती है आपके यहाँ पढ़ाई? बहुत अच्छा होता है। आप लोगों का स्कूल फर्स्ट आया है पूरे प्रदेश में, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? मुझे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। समिति के से प्रयास किया और रात में शाम को 6 बजे के बाद हमारे शिक्षक वहाँ जाते हैं बरसात के बाद में और देखते हैं कि वास्तव में बच्चे घर में अध्ययन कर रहे हैं या नहीं। इसमें ग्रामवासियों का, पालकों का विशेष सहयोग मिलता है और बच्चे नियमित रूप से उसमें अध्ययन करते हैं।